वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनम वाचाकलपतरुश्च कृपा सिंधुवच पतिता पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नम मूकोति पंगुं लंघयति गिरी यमहंग वंदे परमानंदमाधव बृंदावि तुलसीदेवी केशव कृष्णभक्तिपदे देवी सत्वत्वी नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्ति युक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैयम् सदा परिभवग्न भविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरिञ्चिनुतम् शरण्यम् वीतातिहम् पनुदपाल भवद्विभूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लव नखचन्दमनि चटाए विस्फुरीजीत किमपि गोपवधुष्वादर्शे पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदाकिवां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सिंहद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्याद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजभरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनितम् भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायणो प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित्त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare Hare Yat Karma Bhir Yat Tapasa Gyana Vairagya Tascha Yat Sarvam Mad Bhakti Yogena Mad Bhakto Labhate Anjasa Yat Karma Bhir Yat Tapasa Gyana Vairagya Tascha Yat Sarvam Mad Bhakti Yogena Madhavakta Lavati Anjasa Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Bhopad Jagat Guruji ne bataye Tarka Pantha se Guru Sarup Antadhyan ho jata hai Jo Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guruji ne bataye Tarka Pantha se Param Satya Vastu Antarhit ho jata hai Manav jis samay tak Manav gan jis samay tak Tarka Pantha ka sahare chalne ka koshish karta hai उसका उस समय तक सद्गुरु का दर्शन नहीं हो पाता मानव गम जब तक तर्क पंथा का सहारे में चलने का कोशिश करता है उस समय तक किसी भी हालत से सद्गुरु का दर्शन नहीं हो सकता सद्गुरु का दर्शन मतलब सद्गुरु का सामने आया है उसका रक्त मांस का शरीर को देखना इधर ये मीनिंग नहीं है ऐसा कोई माने नहीं है गुरु दर्शन नहीं हो सकता तो मतलब तत्त्व को सहारे तत्त्व का बैकग्राउंड में जो वास्तव गुरु का स्वरूप का दर्शन करना ये संभव नहीं होता गौरंग महाप्रभु का प्रकट विलास में बहुत सारे बदमाश व्यक्ति चापाल गोपाल आदि बहुत सारे महाप्रभु को देखकर महाप्रभु को साक्षात दर्शन किए हैं लेकिन ऐसा दर्शन कोई दर्शन नहीं है ऐसा दर्शन कोई दर्शन नहीं है ये और खतरा है क्योंकि ऐसा दर्शन मटेरियल दर्शन है और मटेरियल दर्शन के सहारे अगर हम चलने का कोशिश करें तो उल्टा रिजल्ट मिलेगा और उल्टा अपराध हो जाएगा इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं मानवगण जब तक तर्कों का सहारे पर चलने का कोशिश करता है तब तक सद्गुरु का दर्शन लाभ होता नहीं संभव नहीं गुरुपाद पद्म का विशेष ये है प्रभुपाद जी कह रहे हैं गुरुपाद पद्म का वाणी सत्य प्रवचन है अप्राकृत जगत का जो वाणी वैभव है इससे अलग होकर दूसरा कोई सत्य हो नहीं सकता इसका मतलब है अप्राकृत सत्य का साथ प्राकृत सत्य का apparent truth का तुलना नहीं किया जा सकता गुरुपाद पद्म का जो वाणी है अनोखा वाणी अप्राकृत वाणी वैभव गोलोक वाणी अप्राकृत शब्द ब्रह्म ये सत्य वस्तु से अलग होने का कारण अलग हो जाए तो दूसरा कोई सत्य वस्तु हमको नहीं मिलने वाला है कि सत्य वस्तु एक ही है अखंड है प्राकृत सत्य वस्तु ए मटेरियल सत्य ए नाशवान है प्राकृत सत्य वस्तु इटर्नली प्रेजेंट नहीं हो सकता वास्तव सत्य वस्तु का जो
वास्तव सत्य का जो निष्ठा, इसका परीक्षा करने का जो विषय है, इसीलिए विपरीत मत अर्थात अपोजिट मत, विरोध विरोधी मत, या तो इसको डाउट बोला जाता है, संशय वितर्क। वास्तव सत्व वस्तु के ऊपर जब मेरा विश्वास नहीं टिकता है तो प्राकृत एक्सपीरियंस हमारा जो है, प्राकृत जगत का हमारा जो एक्सपीरियंस बैंक है, उसी के सहारे में परम सत्व वस्तु का जांच करने जाए तो उसमें तरह तरह का संशय संदेह उपस्थित हो जाए। ये जो संशय उपस्थित हो उसका लिए जो लॉजिक आ जाए, इसी को बोलता है तर्कपंथा। अब हम समझने का कोशिश करें तर्कों का रास्ते में चलते हुए हम परम सत्व का जांच करने के चल रहे हैं। जो लोग करता है ऐसा, इसको तर्कपंथी बोला जाता है। ये लोग अक्सर गुरु वैष्णव चरणों में अवज्ञा का अवहेला, अवज्ञा दोष में लिप्त हो जाता है। गुरुचरण को, गुरु वैष्णव को अवज्ञा करने का जो अपराध है, इसी में लग जाते हैं। एकमात्र शास्त्रों का विचार है, जितना हमारा संशय संदेह है, जो कुछ भी है, ये सारे सदगुरु चरण समाधान कर सकता है। गुरु चरण का, गुरु तत्व का डेफिनेशन में बताया था, सर्व संशय संश्चेता अनलस गुरु राहित, याद है ना, बहुत बार चर्चा किया। सर्व संशय संश्चेता, सर्व संशय छेत्ता नहीं, सर्व संशय छेत्ता नहीं, संश्चेता मतलब है संशय को छेदन करने का बाद उसको परम वास्तव वस्तु में प्रतिष्ठित कर देने का जो कर्तव्य है, ये भी गुरुजी कर देता है। क्योंकि संशय अगर चला गया, काल भी दूसरा संशय आ सकता है, संशय का तो ठिकाना नहीं है, एक गया दूसरा आएगा, दूसरा आया तीसरा आएगा। संशय का जो जड़ से मिटा देना और हमको परम सत्य वस्तु में प्रतिष्ठित कर देना, ये गुरुजी का काम है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, मेरा अंदर में शत प्रतिशत शरणागति आया कि नहीं, ये सबसे बड़ा। बाकी जितना सारे दुर्गुण हैं, जितना सारे वीक पॉइंट है, ये कोई बात नहीं। क्योंकि कीर्तन में आता है ना, योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सारो। अगर गुरुजी मेरा योग्यता का विचार, क्वालिटी क्वालिफिकेशन विचार करने जाए तो मैं तो दीक्षा का लायक नहीं हूँ शास्त्रों का विचार से, ये तो पक्का। इसीलिए एक बात है, हम शरणागत होके गुरुजी का चरण में पड़ जाए तो योग्यता जो कुछ भी है नहीं है, ठीक है चलो कोई, लेकिन बाकी गुरु की कृपा से योग्यता आने में समय नहीं लगेगी। जितना सारे क्वालिटीज है, योग्यता है, सब नित्यानंद चरण में सदगुरु वैष्णव का प्रतिष्ठा है। समस्त जो कुछ भी है सारे नित्यानंद चरण में नित्य प्रतिष्ठित है। तो जितना सारे योग्यता चाहिए, जितना सारे गुरु सेवा के लिए शक्ति चाहिए, सारे आने में समय नहीं लगेगा, ये तो आ ही जाएगा। लेकिन जिन जीवात्मा का अंदर में कंट्राडिक्शन है, पेंडुलम का मापिक ऑसिलेटिंग अवस्था में है, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे,
इधर जाए कि उधर जाए, अर्जुन का मापिक जो संशय उत्पत्ति, गुरु वैष्णव के चरण में 100% शरणागति के साथ साथ तमाम समस्या का समाधान होना कोई विचित्र बात नहीं है, वो हो ही जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं एकमात्र गुरुपाद पद्म, हमारा जितना सारे संशय है, संदेह है, जितना सारे इज्म है, सारे को निरस्त करके, निरसन करने के लिए समर्थ है गुरुपाद पद्म, इसी को ही गुरुचरण बोला जाता है। जहां तहां से किसी को बैठा दिया गुरु आसन में तो होगा नहीं, इसमें तो चलेगी नहीं, अवस्था टूट जाएगा पूरा, अवस्था अव्यवस्था फैलेगा, पूरा संप्रदाय का सिस्टम जो ब्रेकडाउन हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल गुरु वैष्णव का ये जो है दायित्व है, सबसे बड़ा दायित्व है संप्रदाय का संरक्षण करना, वाणी वैभव का संरक्षण करना। ये अगर गया तो क्या लेके जिएगा, ये अगर चला जाए, वाणी वैभव गया, सब कुछ गया, महाराज हमारा आचार आदर्श चले, हम किसके सहारे जिए, हम किसके सहारे जिए, हम किसके सहारे जिए। गुरु जी का आदर्श है, प्रभुपाद का आदर्श है, भक्तिविनोद ठाकुर का, केशव गोस्वामी महाराज का, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, ये जो आदर्श है, आदर्श का सहारे भक्ति माधव गोस्वामी महाराज का, इन लोगों का जो आदर्श है, ये आदर्श का सहारे मैं जीने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये आदर्श अगर नहीं रहता तो जीने के लिए मन नहीं करता, क्या कैसे जिएंगे, क्या चाहिए, क्या करें हम। जब आदमी अपना लिए जीता है ना, जब आदमी स्वार्थी होता है, जब आदमी अपने लिए जीता है, उससे तो बढ़कर उसको मरना चाहिए। जब आदमी औरों के लिए जीता, साधु संतों का जिंदगी सब कोई कर ली, इसका फायदा मैं भी ले सकता हूं, संत महात्मा का जो कृपा है, उसका जो आदर्श है, उसका जो स्नेह है, क्या मैं भी प्राप्त कर सकता हूं निष्कपट भाव से। जब अपने लिए आदमी जीता है कोई, इससे तो बढ़कर इसका मरना अच्छा है, ये तो कोई मकसद नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब आदमी औरों के लिए जीता है, जैसे संत महात्मा की जिंदगी है, सब कोई कर ली, कोई भी आए, कोई रोक टोक नहीं है, बस इतना ही चाहिए, पॉलिटिक्स बंद करो, राजनीति बंद करो और कपट भाव बंद करो, एक ही बात है, राजनीति मतलब कपट, एक ही बात है, बस यही चाहिए शरणागति, और कुछ नहीं चाहिए। इतना संतोष, गुरु वैष्णव संतोष हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए। भगवान के लिए जीना, गौड़ीय संप्रदाय का आदर्श के लिए जीना, ये कितना बड़ा बात है, वो आम आदमी का समझ में नहीं आ सकता है। एकमात्र गुरुचरण है, जब परम सत्य वस्तु का शब्द ब्रह्म का जो सोर्स है, उत्स है ना, ओरिजिनल सोर्स है, ये गुरुपाद पद्म को भेज दिया, ये भी सोर्स है। वास्तव बात ये तो है, तर्क का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तमाम गौरीय समाज को एक फैमिली मान के चले तो अच्छा है, लेकिन कोई मानेगा नहीं ना। मैं अगर प्रभुपाद का बात, भक्तों ठाकुर का बात कहते रहूं, वो सोचेगा दुश्मन, लेकिन कसम से बोल रहा हूं, मेरा पूरा गौड़ीय संप्रदाय मेरा एक परिवार है, मेरा अपना है, कोई भी मठ मेरा गुरु वर्ग का है, मेरा अपना है, लेकिन ये किसी को विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि वो सेपरेटिव एटीट्यूड सब कोई का अंदर में टूट गया, ये जो चेन है सारे टूट गया, कुछ बचा नहीं, बाइंडिंग फोर्स। तर्कों का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्क अप्रतिष्ठो
श्रुतयो विभिन्न तर्क अपदिष्टो नाशो मुनिर्जस्व मतम न भिन्न महायनो येनो गतु स्वपंथ्या। महायन मतलब नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए पूर्वापौर कोरिया विचार, द्वादश महाजन भी प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज तो ये सब महाजन है हमारा, द्वादश महाजन का स्वयंभूर नारदो शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद भीष्म बलिर भैया सकिर वयम, ये जो है द्वादश महाजन ये ओरिजिनली भागवत धर्म का पालन करता है। आगे चलते हुए गौरी वैष्णव समाज में माधवपन्नपुरी पाद ईश्वरपुरी पाद, आगे और चलते हुए रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद रघुनाथ गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद सारे चलते हुए, और भक्त काल चर्चा हुआ था, काल चर्चा हुआ था शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का आभारी हूँ। गौरी वैष्णव समाज अनंत काल अगर कोशिश करे भक्तिमय ठाकुर को कुछ पेमेंट देने के लिए संभव नहीं। इस विषय पर चर्चा हुआ था सप्तम गोस्वामी भक्तिमय ठाकुर, भक्तिमय ठाकुर और प्रभुपाद ये जो महाजन है गुरु वर्गों का, ये वाणी जो हमारे पास आए हुए हैं स्रोत वाणी, ये मेरे लिए मोर इजी, किंतु महाराज कौन जाएगा, ये जो संस्कृत लिटरेचर है हर कोई का बस का काम नहीं है, हाँ समझेगा नहीं, विशेष करके कली काल में कोई स्टेबिलिटी ऑफ माइंड नहीं है, उसमें शब्द रूप धातु रूप कैसे याद करे और उसका एप्लीकेशन तरह तरह का विचार है, हजारों किस्म का भी अप्लाई करो ये कैसे समझे, संभव नहीं है। हर वक्त विषय का और छूट रहा है, इस अवस्था में अगर श्रीला सच्चिदानंद भक्तिवन ठाकुर नहीं होते तो बेसहारे हम मर जाते। ये ठाकुर जी पूरा संस्कृत लिटरेचर को हमारा अनुभव में लाने का कोशिश किया, जैव धर्म से लेकर चिकित्सा चैतन्य शिक्षा में तो महाप्रभु शिक्षा से लेकर तत्व विवेक क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं है, सारे हमारा सामने धर दिया। मानो कि गोलोक का जो संपत्ति है ये हमारा सामने लाकर खोल दिया, उसका जो सीक्रेट पेटिका है इसको खोल दिया, और हमको इतना ही चाहिए गुरु वैष्णव का अनुगत्य के द्वारा आगे चलकर ये सब अनुभव करना है, प्रभुपाद जी ने ये बताया था। तर्कों का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जब तक अर्जुन तर्क किया था समाधान नहीं आया, युद्ध क्षेत्रों में आकर वैराग्य पैदा हुआ ये बोका आदमी बोल सकता है, युद्ध क्षेत्र में आकर अर्जुन का अचानक वैराग्य पैदा हो गया ये तो बोका आदमी बोलेगा भगवान ने पकड़ ली, ये वैराग्य नहीं है, एकत्व का अनिहा है, एवर्सिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ड्यूटी। तो क्या महाराज गीता ड्यूटी सिखा रहा है, हाँ ड्यूटी तो सिखा रहा है, वास्तव ड्यूटी गीता का मकसद है पूरा समाज संसार को व्यवस्थित रखना फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आगे चल के हमने चर्चा भी किया कर्मयोग का निष्ठा, उसका बाद ज्ञान योग का, उसका बाद भक्ति योग का सहारे बाकी सारे दिया हुआ है, लेकिन किसी को समझ भी नहीं आ रहा है, सारे चर्चा हो गया। हाँ ऐसा तो है ही है संसार समाज संसार को ऑर्गेनाइज करने का, क्योंकि हर आदमी का पोजीशन एक नहीं है, एक जैसा नहीं है, तरह तरह का उसका क्वालिटी है, उसका ग्रेड है, तो सबका लिए कॉमन एक एक सा शास्त्र चाहिए जो अपना अपना क्षमता का अनुसार वो आगे बढ़ने का कोशिश करे। कम से कम हर आदमी तो जाम कर रागा रागानुगा रूपानुगा भक्ति स्टार्ट नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल निषेध है। जब भी कह रहा है वो सब
we can give highest thing, हमारा पास आओ, लेकिन कौन बताने जाए कि ये लोग चीटर है, कौन लड़ाई करने जाए बोलो तो, कोई तो नहीं है, सब अपना अपना घर को संभाल रहा है, या मरने दे, कौन कर रहा है कि क्या आता जाता, सारे अव्यवस्था फैल रहे हैं। अमनाय रास्ते में सौतो पंथा के द्वारा आमनाय का रास्ता में आमनाय प्राह तत्यम हरिमीह सर्वशक्तिम रसादिम, ये जो भक्ति में ठाकुर बताया ना, तो आमनाय मतलब परंपर जो परंपरा के अनुसार जो परम सत्य वस्तु हमारा पास इंटैक्ट पहुंचे, परंपरा के अनुसार हमारा सामने वो परम सत्य वस्तु हमारा पास इंटैक्ट पहुंचे, यही गुरु परंपरा का मकसद है, नहीं तो गुरु परंपरा का कोई वैल्यू नहीं। गुरु परंपरा का वैल्यू इसीलिए है, गुरु परंपरा का वैल्यू इसीलिए है जी, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी है आचार आदर्श हमारा सामने प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा केशव गोस्वामी महाराज भक्ति इंटैक्ट हमारा पास पहुंचे, उसमें कुछ मिलावटी हो जाए तो ये भागवत ये जो धर्म का ये विपर्जय हो जाए, भागवत परंपरा का विपर्जय हो जाए। तो ये तर्क बनता जो अमनाय पद्य सौत पद्य है विशुद्ध पद, ये विशुद्ध रस्ते में पक्के रस्ते इसी में ही परम सत्य वस्तु का साथ चलते हुए आगे चलते हुए भेंट हो सकता है, बाकी कोई भी कौन रास्ता करे अपना मनमानी वो नरक जाना ही है, नरक उसका कोई समाधान नहीं, कोई बाप बचा नहीं सकता। जो गुरु परंपरा का विरोध है, अपना मनमानी शिक्षा दीक्षा सब शुरू कर दिया, नरक में जाना ही है 100%, नो रास्ता, कोई रास्ता नहीं, वो जाएगा उसका फॉलोअर जो है सारे जाएगा, जो अप्रूव किया है वो भी जाए। परंपरा के अनुसार मेरा सामने विशुद्ध सत्य वस्तु का साथ मेरा भेंट हो सकता, इसीलिए परंपरा का वैल्यू है, इसीलिए प्रभुपाद जी कृष्णायते चतुर्मुख है कृष्ण सेवन मुख बमायते, ये जो किया है ये तीर्थ महाराज जी, ये सब आदर्श है, भक्तिवृंद बामन गोस्वामी महाराज भक्ति पूर्ण पूरी, ये सब ट्रेन में जर्नी समय में भी सुबह में ये सब कीर्तन करते थे। महाराज आज तो मंदिर में नहीं है, यहाँ क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ कर रहे हैं शक्ति मिलने के लिए, हमारा कृपा प्राप्ति करने के लिए, ट्रेन में चले कोई भी चले, अरे चलते रहेगा, जिंदगी का नाम ही है चलना, तो कहीं भी चले, हम बंद कर दे क्या भजन, मठ में रहे भजन करे, बाहर में जाए तो भजन छुटकारा है, ऐसा नहीं है, किसी अवस्था में रहे भजन तो चलते रहेगा। तो ये लोग हमारा हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ट्रेन में भी कृष्ण तो चतुर्मुखा कृष्ण से ये कीर्तन तीर्थ महाराज जी कीर्तन करते थे दिखाने के लिए, देख इधर भी चले, कौन लेने जा रहा है ये सब शिक्षा, कौन लेने जा रहा है, अपना जिंदगी सब दे दिया हम लोगों को फिर भी अकल नहीं है। ये जो परम सत्य वस्तु है ये कभी अमेंडमेंट का यज्ञ नहीं है, बामन महाराज भी ये कहते थे, एब्सोल्यूट सत्य वस्तु जो है वास्तव सत्य वस्तु जो है इसको अमेंडमेंट करना संभव नहीं, बाकी मेटेरियल जगत में कितना भी कानून बनाओ नियम बनाओ उसका असर क्या पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, वो सो करते रहो कोई बात नहीं, करते रहो है ये तो करते रहो, ये तो चलते ही रहेगा, इसका अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन परम सत्य वस्तु का अमेंडमेंट करने कोई जाए तो वो लुक का पट्टा है, ये संभव नहीं है, ये शास्त्र विरोधी बन जाएगा, सौतो पंथा का विरोधी, गुरुद्रोही, तर्कनिष्ठो, हृदय में
विचार प्रणाली, वो जो गुरुभावज्ञा शास्त्रों का अवज्ञा, इसी दोषों में फंस कर मरेंगे। कौन बचाने जाए इसको, कौन बचाने जाए, तो मरेगा। ऐसा ही रास्ता है। अभी अर्जुन का धीरे धीरे इंटरेस्ट जग रहा है, अर्जुन का धीरे धीरे इंटरेस्ट जग जाए, अच्छा 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 हो रहा है, वाह आगे चल के बहुत सारे कुछ सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। अभी जो क्वेश्चन है इसको हम तर्क नहीं बोला, पहले जो शुरू किया था ये तर्क जैसा ही है, लेकिन आगे चलते हुए अभी जो और तत्व ज्ञान लेने के लिए अर्जुन के अंदर में जो चाहत है वो कैसे, ये कैसे, ये कैसे हो सकता है? आपका जो निर्विशेष स्वरूप का भजन करे, आपको सविशेष स्वरूप, इनमें दोनों में से कौन अच्छा है, कैसा है, ये सब जो प्रश्न आ रहा है, अभी इसको तर्क नहीं बोला जाएगा, ये तर्क नहीं, ये जानने का एक इच्छा है। वास्तव बात तो ये है, निर्विशेष धारणा जो है इसमें अपना मन को टिकाना लगाना क्वाइट इम्पॉसिबल। याद है ना, पिछले दिनों में एक बात चर्चा किया था हमने, एक मुस्लिम बच्चा, मासूम बच्चा, वो कैसे दिखा दिया ये अल्लाह है। मतलब ये बच्चा का भी अंदर में अनजाने में एक भाव है अल्लाह इसका स्वरूप है, तो कि कैसे दिखा दिया, मैं तो अल्लाह नहीं हूं, वो बुला दिया अल्लाह है, ये देखो अम्मा अल्लाह है, ये अल्लाह अल्लाह। तो मतलब बच्चा का भी अंदर में, मासूम बच्चा है, इसका भी भावना है ना अल्लाह का स्वरूप है। आज जो कुछ भी तर्क है, ये बद्धजीवों का तर्क जो है निसर्ग है, निष्कर्म मतलब क्वाइट नेचुरल। बद्धजीव का अंदर में जो तर्क तर्कों का सामना करना है ये स्वाभाविक है, तर्क छोड़ के उसका कुछ नहीं है। परम सत्व वस्तु का साथ अगर भेंट हो जाए कभी, ब्रह्मांड भ्रमित गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पर भक्ति लाता भी, तब तो आगे चल के तो होगा। ये जो निर्विशेष धारणा, इसमें नि उपसर्गो लगाया व्याकरण में, जो व्याकरण पढ़ा है उसको थोड़ा मालूम है, प्रो परा अपो अनु नि बी, ये सब जो है उपसर्ग है। और पहले जमाने में, हमारा बाप दादा का जमाने में, आयुर्वेदिक डॉक्टर का क्या उपसर्ग है तुम्हारा, ऐसा पूछते थे अभी तो क्या बीमारी हुआ ये बोल रहा है, लेकिन आज नहीं, आज से 50-60 साल पहले, तब तो हमारा जन्म हुआ था लेकिन इतना बच्चा, तो उस समय में पूछते थे उपसर्ग क्या है, हैं ये जो मरीज है इसको उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग मतलब बीमारी, तो बड़ा मजेदार बात है ये। निसर्ग, ये जो निर्विशेष, ये अगर विचार करने जाए जिसमें क्या आता है, न्याय परो, न्याय, न्याय जानते हो ना, न्याय, न्याय शास्त्र, इसमें एक चैप्टर आता है, इसमें ये चर्चा ही है। जब कभी अगर कोई लगा दिया निर्विशेष, तो इसमें न्याय, न्याय शास्त्र में आता है, जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उसका लिए फिर से नहीं है ये शब्द कैसे लगा सकता, जो वस्तु बिल्कुल है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जैसा जैसे घोड़े का डिम, अरे घोड़े का डिम होता ही नहीं है, घोड़े का डिम होता है क्या, तो ये होता ही नहीं, एब्सर्ड। सोने का पत्थरा बाटी, अरे सोने का बाटी तो सोने का बाटी, पत्थर का बाटी तो पत्थर का बाटी, पोपात कहते थे,
आपका कंसेप्शन जैसा है ना, ये सोने का पत्थर का बाटी जैसा। अरे महाराज, सोने का बाटी हो तो सोने का बाटी, पत्थर का सोने का पत्थर का मिलावट तो नहीं हो सकता। सोने का पत्थर बाटी, तो नए शास्त्र में ये विचार आता है, ये विचार आता है कि जहां जे वस्तु का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उसके लिए द्वारा, उसके लिए नहीं है, ये शब्द चलेगी नहीं, चलेगा नहीं। तो इसलिए निर्विशेष नाई विशेष जहार, बंगाली में बताओ, संस्कृत में हैं, जिसका कोई विशेष नहीं है वो निर्विशेष। तो भगवान के लिए तुम ये इसको लगा रहे हो, तुम कहाँ लगा रहे हो? शंकराचार्य किस लिए लगा रहा है? ये हमारा जो सविशेष ब्रह्म है, भगवान है, इसका विरुद्ध में कंपटीशन करने के लिए लगाया ना, और क्या, इसीलिए लगाया था ये बात, और क्या। तो इसका विरुद्ध बाद रचना किया, जबकि नए शास्त्र में ये चर्चा आता है, चर्चा आती है कि अगर जो वस्तु का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका लिए द्वारा नहीं है, ये शब्दों यू कैन नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है, महाप्रभु जो ये जो नीलाचल वेदांत व्याख्या हिंदी में भी हो गया, आप पढ़ सकते हो, तो इसमें जो खुल्ला में खुला पूरा चर्चा दिया हुआ है, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ क्या चर्चा हुआ था, महाप्रभु वेदांतों का पूरा रहस्यों को खोल के रख दिया। किसी का हिम्मत नहीं इसको खंडन करे, भगवान सविशेष है, भगवान को निर्विशेष बोल के अपान इपाद जवनो, ये जो अपान इपाद ये सब बोला हुआ है, महाप्रभु जी ने साबित करके दिखा दिया, जे सार्वभौमो ये जो नहीं है, हाथ पैर नहीं है, ये निर्विशेष नहीं है। ये इसका मतलब है, निर्विशेष का मतलब है भगवान का प्राकृत इंद्रियो नहीं है, भगवान का प्राकृत इंद्रियो नहीं है, और प्राकृत इंद्रियों में कोई रुकावट नहीं है, भगवान का अप्राकृत इंद्रियो है। तो ये सब चर्चा जो हो रहा है, इसका मकसद क्या है? ये जो अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि आपका जो निर्विशेष भाव लेके सहारा ले, ये निर्विशेष भाव का सहारा लेना भी बहुत कष्टदायक है, और निर्विशेष भाव को लेकर कोई भजन करे ये अच्छा है, ये इससे इसके कौन बेहतर है, और सब विशेष को। पहला बात तो ये है, महाप्रभु जी ने पूरा चैतन्य चरितमृत मध्य खंड में चर्चा करके रख दिया, निर्विशेष तारे कहे सही श्रुति गौम प्राकृत निषेधी करे अप्राकृत स्थापन। बांग्ला समझ में आता है ना थोड़ा थोड़ा? निर्विशेष तारे कहे, उसको ही निर्विशेष बोला जाता है, श्रुतिगण बोलता है निर्विशेष तारे कहे जय श्रुतिगण, जो जो श्रुति में निर्विशेष भावों का व्यंजना है, इंडिकेशन है, प्राकृत निषेध उसमें प्राकृत इंद्रियो नहीं है, ऐसा विचार लेके अप्राकृत स्थापन करने के लिए विचार उठाया गया, और कुछ नहीं। लेकिन मायावादी अगर बोले भगवान का शरीर जो है सच्चिदानंद शरीर को मायावादी लोग माया का स्वरूप बना के आया है, भगवान का हो नहीं सकता, अनंत रूपी हरि कैसे छोटा सा शरीर पकड़ के, नहीं नहीं ये माया का शरीर है। महाप्रभु जी ने बताया प्राकृतो कोरिया, प्राकृतो कोरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु कृष्णो का कलेवर शरीर, इसको प्राकृत बोल के मानता, मायामय शरीर मानता है। महाप्रभु जी ने बताया विष्णु इससे बढ़कर, इससे बढ़कर विष्णु निंदा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़कर विष्णु निंदा हो ही नहीं सकता, सबसे बड़ा बढ़िया खतरनाक। प्राकृत कुरिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु निंदा आर नहीं तहार ऊपर, कहां तक चर्चा करने जाए। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, गीता में भगवान बताए, ये लोग इतना अंधा है कि देख नहीं सकता,
लिखा हुआ है, भगवान ने कह दिया कि देखो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, हम ब्रह्मो का जो प्रतिष्ठा है, ब्रह्मो किसका, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म इफाल्जेंस जो है इसका बैकग्राउंड कौन है, सविशेष ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन ये लोग मानता नहीं। ब्रह्म का प्रतिष्ठा मैं हूं भगवान ने कह दिया पूरा, ये मानने के लिए तैयार नहीं। जब भगवान ये ऐलान कर दिया कि ब्रह्मण ही प्रतिष्ठा अहम, तो क्या कोई अगर ब्रह्मो का उपासक हो उसको तो इतना इतना समझना चाहिए कि ब्रह्मोपासक गण गौण रूप है, सेकेंडरी रूप में, गौण रूप में श्री कृष्ण आश्रित हो, नहीं तो ब्रह्म कहां से आया, ब्रह्म का इफाल्जेंस कहां से, तुम जो मिलने के लिए कोशिश कर रहे हो। बहुत सारे चर्चा है श्रीमद् भागवत जी में, महापुराण में, एतद् भगवतो रूपम स्थूलम ते बैहृतम मया मादादिभिश्चावरणैर अष्टभिर् बहिरावृतम अतः परम सूक्ष्मतमं अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादिमध्य निधनं नित्यं वग्मनसहो परम। सारी चर्चा भगवान ने कर दिया भागवत में, फिर भी तर्क से जोड़ने का जो कोशिश है ये जीवों के लिए स्वाभाविक है, कि क्या करे। ब्रह्म उपासकगण अगर वो लोगों का ही विचार मान ले कि ब्रह्म उपासक ब्रह्म बन जाता है, ऐसे तो सारे जीवात्मा ब्रह्म वस्तु है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लड़ाई नहीं है। तमाम जीवात्मा जो है शरीर का अंदर बसे हुए जो जीवात्मा है सारे ब्रह्म वस्तु है, इसमें कोई तो शक नहीं है, सारे ब्रह्म वस्तु है, शरीर प्राकृत है, मेटेरियल है, खिति अपतेज मरुद्भम के द्वारा। जीव को तो ब्रह्म ही बोला जाता है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म ही है। वो बोला ब्रह्मत्व लाभ किया, ये अनुभव आया, निर्विशेष ब्रह्म में सिद्धि लाभ किया, तो ब्रह्म ब्रह्म बन गया। ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म है, ठीक है ब्रह्म बन गया, ठीक है। एक गिलास पानी को समुद्र में फेंक दो तो समुद्र का पानी तो बन गया, और क्या। लेकिन ब्रह्म बन सकता है, ब्रह्म क्वालिटेटिवली, लेकिन परम ब्रह्म बन नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता। कभी किसी को बोलने नहीं सुना पर ब्रह्म बन गया, ठीक है चलो तर्क कर रहे हैं, ब्रह्म बन गया चलो ठीक है, लेकिन पर ब्रह्म नहीं बन सकता, तुम्हारा गलत फहमी है। ब्रह्म वस्तु तो है ही है जीव, अभी अर्जुन का ये प्रश्न है, ये स्वाभाविक है। ये हमारा सामने खड़ा हुआ है, ये दोस्त कृष्ण है, और अनंत रूपी जो भगवान का जो उपस्थिति है, ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है, कौन अच्छा है, किसका सहारे में भजन करे। हो सके कि गीता में जगत मुखी कर्तव्य का प्रेरणा जरूर है, कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करना इसका तो है ही है, प्रेरणा दे रहा है। हर चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तस् कर्तारम अहम विद्धिमाम अकर्तरम अभ्याम, ठीक है कर्तव्य का प्रेरणा तो है ही है, कर्तव्य का प्रेरणा है, लेकिन कर्तव्य का प्रेरणा जो है यही अल्टीमेट जो टारगेट ये नहीं है। हमने पहले भी चर्चा किया था, ये आगे आगे लेकर चल के प्रेम भक्ति का ओर आगे चल कर 18 अध्याय में 12 अध्याय में बहुत सारी चर्चा किया, 11 अध्याय में चर्चा किया, अंतिम 55 नंबर श्लोक याद करके देखना, 54-55 नंबर श्लोक चर्चा किया। तो गीता का मकसद है
दिखाना अंतिम में, लेकिन बेसिकली कर्म का जो प्रेरणा है ये तो जरूर है, समाज संस्कार को व्यवस्थित रखना, ऑर्गेनाइज करना। वर्णाश्रम धर्म का कोई जरूरी नहीं है अगर परमहंस अवस्था में उठो, कोई अगर परमहंस अवस्था में उठे उसका लिए वर्णाश्रम क्या काम का है, क्या काम का है ये, वो तो ठीक है लेकिन अभी तो जरूरी है। इसलिए बेसिकली सारे चीज जो है गीता में सारे जरूरत है, ऐसा नहीं कि जरूर नहीं। जगतमुखी, जगतमुखी जो है गीता में जो कर्तव्य का निर्देश किया है ये सब है, लेकिन एक बात तो पक्का है जो मायावादी लोग कहते रहते हैं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो लोग बनाने का कोशिश करें फिलोसॉफी, कॉन्कोक्टेड फिलोसॉफी, उसके लिए कहना है कि जगत सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। लेकिन महाप्रभु जी ने बताया कि नहीं, जगत मिथ्या कैसे है, ये तो है हमारे सामने, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये मिथ्या कैसे है, ये बोल सकता है अनस्टेबल, अनित्य है, लेकिन मिथ्या कैसे बोल दिया तुम, मिथ्या नहीं है जगत, मिथ्या नहीं है लेकिन अस्थाई है, अनस्टेबल है, इसका भी वैल्यू है। जगत अगर मिथ्या है, जगत प्रपंच अगर मिथ्या है कि कहाँ भगवान ये बद्ध जीवों को जो जड़ संसार में भेजा है ट्रीटमेंट करने के लिए, सारे अव्यवस्था अव्यवस्था फैलेगा। ये जो बद्ध जीवों का जड़ संसार में आना इसका माने क्या है, भगवान इसके लिए व्यवस्था करके रखा है कि उसका ट्रीटमेंट चलते रहे और बाद में वो तरक्की करते करते आगे पहुंचे, यही तो माने है ना। बद्ध जीवों का लिए अगर ये जड़ संसार नहीं है तो ट्रीटमेंट कहाँ बनेगा, बिना स्थूल शरीर पानिशमेंट आदि संभव नहीं है। इसे इसका कर्मफल भोग, कर्मफल का भोग करवाने के लिए इसका जो अपना अपना कर्मफल को भोगवा, कर्मफल को है नो, कर्मफल जो है अपना अपना इसको भोगवाने के लिए ये जरूरी है। इसे जड़ संसार झूठा नहीं है, जो मायावादी लोग बोलता है जगत मिथ्या, गीता कभी ऐसा बोला नहीं, गीता कभी भी बोला नहीं जगत मिथ्या, अनस्टेबल है, ठीक है अनस्टेबल है, अनस्टेबल तो बहुत कुछ है, लेकिन अनस्टेबल है इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, अनस्टेबल तो है ही है, ये टोटल कॉस्मिक क्रिएशन जो अनस्टेबल सारे नियम से चल रहा है, उसका लिए भी देखने वाले हैं, चलाने वाले हैं, हैं ड्यूटी में लगाने वाले भी है, भगवान भगवान लगा रहे, तो इसका मतलब अनस्टेबल का मतलब ये नहीं। अनस्टेबल भी बृहद भगवतम में चर्चा हो रहा है, इंद्र महाराज का प्रशंसा किया, इंद्र महाराज कहते हैं मैंने महाराज क्या प्रशंसा कर रहे हो, हम तो मरने वाला है 71 चतुर्युग तक, अरे ब्रह्मा जी को हमारा ये ब्रह्मा जी को देखो, ये 71 चतुर्युग क्या है, इसका जो 14 मन्वंतर जाए इसके लिए एक दिन होता है, ऐसा परिमाण उसका रात, अरे महाराज कितना जीता है लंबा, तो प्रशंसा करना है तो उसका करो, हमारा प्रशंसा क्या कर रहे हो। तो सभी अनस्टेबल, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नहा अर्जुन, ये बात तो हकीकत है, अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नहा अर्जुन, ये तो पक्का बात है, लेकिन इसका लिए ये नहीं कि अनस्टेबल है कि तू हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे। आज तुम्हारा क्या परमहंस अवस्था आया है, क्या तुम्हारा परमहंस अवस्था आया है कि तुम सारे कर्तव्य कर्म को लात लगा के चले जाओ, बैठ जाओ जोगी बनके, हैं क्या बात है। तो गीता जो है इसका एप्लीकेशन इस जगत में जरूरी है, गीता का जो शिक्षा है आगे चलकर ये तो अपराकी जगत का इशारा दे रहा है, प्रेम भक्ति का तो है ही है। सो जागतिक कर्तव्य कर्मों का जो उपेक्षा करना ये भी गीता का मकसद नहीं है, ठीक है। गीता में कर्मवाद और लेकिन इसमें एक विशेष है कर्मयोगी के लिए, ये
वास्तव वैराग्य को लाकर अपना जिंदगी को जीने का कोशिश करो, वास्तव वैराग्य को प्राप्त करके फिर ए आपका जिंदगी भी जीने का कोशिश करो हो। युक्त वैराग्य का सहारे जो कुछ भी आए, जिस उपदेश महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया था, स्थिर रहिया घरे जाओ नाहो बातुल क्रमे क्रमे पाए लोके भव सिंधु कुल, महाप्रभु जी ने बताया यथा योग्य विषय भंगो भंगो अनासक्त होया। गीता ये सिखाया है तुम भोग व त्याग दोनों भूल जाओ। ये हमारा गौरीय भजन में बेसिक चीज है ना, युक्त वैराग्य। गीता ने भी ये सिखाया वो, अरे अर्जुन तू क्या वैराग्य दिखाया, क्या तेरा है जो वैराग्य दिखाए, तेरा कुछ है क्या वैराग्य दिखाने वाले आए, बड़ा आया वैराग्य दिखाने वाले। हमारा त्याग और भोग से कोई मकसद नहीं, क्या काम करें, सेवा से मकसद है। गीता का ये रहस्य है, ये सिखाना चाहता है। ठीक है, अपना कर्मफल का अनुसार शरीर पकड़ लिया तो कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, कहाँ जाओगे, शरीर तो है, जीते जी गुजर बसर के लिए तो कुछ चाहिए। चलो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ के या तो युक्त वैराग्य के सहारे बचने का कोशिश करो, भोग व त्याग दोनों को ही फेंक दो। अर्जुन ने बहुत सारे तर्क उठाया था, भोग करने का त्याग करने का, अरे ये सब क्या करे, ये सब मार के, ये सब महाजनों को मार के, ये सब संपत्ति क्या करे, बहुत सारे सिखाया अर्जुन, भगवान ने उसको काट दिया, तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं, भोग व त्याग दोनों ही फेंक दो और तुम वैराग्य निष्ठो भवभक्ति निष्ठो वैराग्य निष्ठो का मतलब ये है, ये परम सत्य वस्तु का सहारे अपना स्वरूप को विचार करके अनित्य संसार में गुजर बसर के लिए चलने के लिए जो जरूरी है वो युक्त वैराग्य के सहारे ग्रहण करो, एप्रोप्रिएट ऑल प्रॉपर एडजस्टमेंट करते करते। गीता में ना तो वैराग्य सिखाया ना तो भोग सिखाया। बहुत सारे आदमी के ये धारणा है, रॉन्ग कंसेप्शन है, ये लोग सोचते रहते हैं कि महाराज भोग और त्याग दोनों ऑपोजिट पोल है, ये नॉर्थ एक नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर, ये तो विरुद्ध है, भोग त्याग का विरुद्ध है हमारा है, ग्रामर का अनुसार वो है, भोग त्याग का विरुद्ध है। लेकिन जब तत्व समझ में आए तो देखोगे ना ऐसा बात गीता नहीं सिखाया, नहीं सिखाई गीता, गीता ने सिखाई कि ईश्वरमुखी होने के साथ साथ स्वाभाविक रूप में जो कुछ हमारा सामने हमारा जिंदगी को चलाने के लिए जरूरत है वो ग्रहण करते रहे, बट उसमें कोई एफिनिटी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संसार से जाए चले जाए कि आत्महत्या कर ले क्या, जगत में तो भोग है ही है, खाना चाहिए, पहनना चाहिए, सोना चाहिए, क्या हम कहाँ जाए, हम मरे क्या, आत्महत्या करे नहीं। युक्त वैराग्य का धारणा लेकर गीता जो सिखाना चाहता है, ज्ञानी होकर वास्तव वैराग्यवान होकर कर्मों और कर्तव्य का ऊपर कर्मफल का आशा नहीं रखते हुए आगे चलो, तभी तुम्हारा कर्म में अधिकार है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो ऐसा करके दिखाया, जो ऐसा करके दिखाया खुद, यही प्रकृष्ट कर्मयोगी है और उसका ज्ञान भी पक्का है, क्योंकि कर्मयोग अगर नहीं करे ज्ञान भी पक्का नहीं होगा।
करते करते एक्सपीरियंस आएगा, अनुभव में आएगा तो ज्ञानी होगा। मायावादी का ज्ञान तो कोई काम का नहीं है। और ज्ञान जो है पक्का अवस्था में पहुंचे, जैसे आम है, पेड़ में आम है, आम कच्चा अवस्था में है, उसको थोड़ा देर इंतजार करो, आगे चल के पक्का अवस्था में पहुंच मीठा हो जाएगा। सूरज का ताप, मिट्टी का रस, बस ठाकुर जी का भोग लगाने का लायक बन जाएगा। तो ज्ञान भी ऐसा ही है। मायावादी का ज्ञान मैं नहीं कर रहा हूं। कर्म योगी कर्म करते करते उसका अनुभव में आएगा सब, ज्ञान बढ़ते रहे। और ज्ञान योगी का ज्ञान अगर पक्का अवस्था में आए, दैट इज इक्वल टू भक्ति। ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में आ जाए, ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में आ जाए तब समझ में आ जाए मेरा जीने का मकसद क्या है, मैं जीऊ किस लिए, मैं जीऊ किस लिए, किसके सहारे जीऊ। इसका उत्तर आए मैं भगवान के लिए, गुरु वैष्णव के लिए जीने का कुछ, उसका आदर्श के ऊपर सहारे पर जीने का कोशिश कर, ये उत्तर आएगी। तो गीता का जो सीक्रेट, जो सीक्रेसी है गीता का, जो ध्यान है, जो गीता में डुबकी लगाए, जो गीता में डुबकी लगाया, ऊपर ऊपर देखे तो महाराज कुछ नहीं मिले। समुन्द्र का ऊपर देखो, लहर लहर लहर, महाराज कुछ नहीं है, बेकार। लेकिन समुन्द्र का नीचे जाओ, डुबकी लगाओ, समुन्द्र का दूसरा नाम है रत्नाकर। समुन्द्र का दूसरा नाम है रत्नाकर, अर्थात समुन्द्र का अंदर में बहु हीरे जवरा सब मिलता है, अंदर में चुनी पन्ना, हीरे तो खैर चलो एक कोल माइन से मिलता है, बहुत सारे समुन्द्र का अंदर में इतना सारे, कितना सारे मूल्यवान जो है ज्वेल जो है वो सब मिलता है। ऊपर से दिखता है लहर लहर। आपका जिंदगी में भी मैं जानता हूं बहुत कष्ट लगता है, ये सब महाराज छोड़ कर इतना कष्ट करके भगवान का भजन करूं, ये कैसे संभव है, ये संभव है क्या? अभ्यासेन तुकंतियो वैराग्येण चाग्रियाते, ये कर्मयोग में अभ्यास का बात बताया। जब अभ्यास पक्का अवस्था में पहुंच जाए, अभ्यास योग, तो ये अभ्यास आदत में आ जाएगा। अभ्यासेन तुकंतियो, ऐसे तो नियम है, ऐसे तो शास्त्र का विचार है, ये किसी भी हालत से वैराग्य आने वाला नहीं है। विषय से लगन है अनंत काल से, जोर जबरदस्ती हो नहीं सकता, जोर जबरदस्ती खिंचावट में जाए मन को हटाने का होगा नहीं, उल्टा हो जाए। मन इतना चंचल है, जोर जबरदस्ती करने जाओ तो उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, मन का विकृति हो जाएगा, तुमको साइकियाट्रिस्ट का पास ले जाना पड़ेगा। जो जो आदमी हमने देखा है जोर जबरदस्ती वैराग्य करने का कोशिश किया है, वो मेंटल डिसबैलेंस हो गया, पागल बन गया, उसके लिए वो डिसबैलेंस हो गया। तो ये रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता ये है, जो नियम है, ऊपर का वस्तु देखते रहो तो नीचा का वस्तु फीका पड़ेगा, यही नियम है। ऊपर का वस्तु पे नजर डालो तो नीचा का वस्तु फीका पड़ेगा, जोर जबरदस्ती हो नहीं सकता। इसीलिए बताया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जुग तो तुम जोर जबरदस्ती करने जाओ तो होगा नहीं, धीरे धीरे ऊपर का वस्तु देखने का कोशिश करो, नीचे का वस्तु आस्ते आस्ते तुम्हारा लिए फीका लग जाएगा। रसो वर्जम रसो पास्यो परम दिष्टा निवर्तन्ति, जोर जबरदस्ती मन का स्वाभाविक स्वभाव है रसों का ओर छूटना,
पंचोतन मात्र जो है, पंचोतन मात्र जो है इसका सहारे में जो रस को लूटना, पंचोतन मात्रों का जो स्वाभाविक जो वित्री है इसका और मन का खिंचावट स्वाभाविक है। ये तो भागादौड़ी करते रहेगा। रसो वर्जम रसो पाश्च्य परम दिष्टा निवर्तन, जोर जबरदस्ती मन को विषय से हटाओ। ये तो ये इसीलिए भगवान ने कहा ना, कुछ पिछले दिन चर्चा किया था, भगवान का उत्तर है, उत्तर दिया, जो निर्विशेष है उसका भजन करे, निर्विशेष स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म का, और निर्विशेष में स्वरूप शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, जो भी है निर्विशेष ब्रह्म का आराधना, वो इसे जल्दी कामयाबी मिलेगी। अच्छा कौन सी अच्छा है, आपका जो श्याम सुंदर स्वरूप है, नारायण स्वरूप है, किसके सहारे? तो इसका उत्तर पिछले दिन दिया था भगवान ने, चर्चा किया, क्लेशो अधिको तरोस, क्लेशो अधिको तरोस तेषाम अव्यक्ताशक्त चेतसाम, क्लेशो अधिको तरोस तेषाम अव्यक्ताशक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहो वद्भी रवापति। यही तो चर्चा हुआ था, उत्तर हुआ था भगवान का, ये भगवान का उत्तर, यही भगवान का उत्तर। अर्जुन क्लेशो अधिको तरोस तेषाम अव्यक्ताशक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहो वद्भी रवापते। शरीरधारी, शरीरधारी इंद्रियधारी जीवों के लिए अव्यक्तो, जब अव्यक्त जो ब्रह्म का भजन करना, ये बहुत कष्टदायक है। पहला बात तो ये, मन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? हर वक्त विषय में जाएगा, तमाम विषय को नेति 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 ए बात करते 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 करते, ये नहीं है ये नहीं है, ये नहीं चलेगी ये नहीं चलेगी, ऐसा करते करते भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है इसको भी छांट के रख दिया। ये मायावादी का स्पेशलिटी है, मायावादी का ऐसा स्पेशलिटी है, ये गुनेगार है, बदमाश, ये नहीं चलेगी ये नहीं चलेगी, एक करते करते भगवान का स्वरूप को ही काट के फेंक दिया, चलो हो गया ना छुट्टी। मायावाद में अभ्यास करना पड़ता है, निर्विशेष स्वरूप में मन लगाना संभव नहीं है, सविशेष स्वरूप ही स्वरूप है, अव्यक्त तो क्या स्वरूप है? फिर भी चलो, तो ये अभ्यास करते करते पहला ये है कि ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं चलेगी, ऐसा करते करते मन को अतत वस्तु अतत निरसन, इसको इसको उपनिषद में वेदांत में बताया गया, ये अतत निरसन अतत वस्तु को हटाओ, ये तत वस्तु नहीं है ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं चलेगी, ऐसा करते आई बात समय में, ये नहीं चलेगी ऐसा करते करते अतत वस्तु निरस करते करते तद वस्तु जो है भगवान का जो स्वरूप है उसको भी छांट के रख दिया, ये भी असत है, ऐसा मायावादी का बुद्धि खराब हो गया। क्लेशो अधिकतर स्तेषम अव्यक्ता सक्त चेतसम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहो वद्भी रवापति। भगवान का भजन करने जाए तो बहुत कष्ट लगता है, क्योंकि मन से विषय से मन को छुटकारा देना बहुत असंभव है। इसीलिए भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाया, रसो वर्जम रसो पाश्च्य परम दिष्टा निवर्तन्ते, तुम अगर आगे चलते चलते परम वस्तु का दर्शन करते रहोगे तो तुम्हारा जो फीका पड़ जाएगा, जो बेकार, बाकी इतना दिन तक जो कुछ भी भोग किया एंजॉयमेंट किया तुम्हारा सामने फीका लग जाएगा, बेकार लगने लग जाएगा, बेकार, आगे चलते देखोगे ये सब बेकार है, कुछ नहीं है। बस इतना ही करना है, गुरु वैष्णव का अनुगत्व में
भजन करते करते आगे का बस धीरे धीरे परम वस्तु का ध्यान देना चाहिए हमारा भक्ति योग में। और मायावाद में कोई वस्तु में मन ना टिके, पूर्व अवस्था ऐसा निराकार निर्विशेष अवस्था में पहुंच जाए, ये असंभव है। पहले तो भक्ति योग में कोई अवस्थित है उसके लिए भी कठिन है मन को हटाना, और महाप्रभु जी ने प्रेस्क्राइब किया नाम संकीर्तन करते चलो, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जिनी त्यार कोनो वस्तु ना है। मतलब क्या है, साधु संगे कृष्ण नाम करते चलो, संकीर्तन करते चलो, विषय छुड़ाने में लेट समय नहीं लगे, विषय छूट जाए और प्राकृत अप्राकृत विषय का ओर नजर जाएगा, बस नाम संकीर्तन करना चाहिए। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय संसार जीनी त्यार कौन, संसार को जय करना मतलब संसार का कोई वस्तु मेरे को सताएगा नहीं, मेरे को कष्ट नहीं दे सकता, मेरे को आकर्षित नहीं कर सकता, यही तो माने है और क्या माने। तो रसोवर्जम रसो पार्श्व परम दृष्टा निवर्तन्ते मतलब परम वस्तु में मन लगाने जाओ तो जोर जबरदस्ती करने जाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इससे अच्छा धीरे धीरे आगे का ओर चलो, आगे का ओर चलो, धीरे धीरे परम वस्तु देखने का कोशिश करो। और जैसे मुदा महाप्रभु जी ने उदाहरण दिया, किसी ने जोला गुर बहुत फालतू गुर एकदम बेफालतू जो गुर है हैं, जिसको गैया को खिलाया जाता है, गैया हैं पशुओं के लिए, एक गुड़ इससे अच्छा बेहतर गुड़ है। गुड़ से पहले तो आंखें का गन्ना का जूस निकालो, गन्ना का जूस को जलाओ, उसके बाद धीरे धीरे इसका अंदर में जो है ना, धीरे धीरे ये तो गुड़ निकलते रहेगा, चीनी निकालते रहेगा, सीता मिश्री निकालते रहेगा, सीता मिश्री शीतफल बहुत कीमती है, धीरे धीरे चलेगा तो कितना बेहतर है, धीरे धीरे आगे चल के उसका क्वालिटी कितना। अर्जुन जिसने जोलागुर एकदम गंधा, जो गंदा एकदम गंदा है जो गुड़ खाया है, उसको अगर सीता मिश्री खिलाओ कितना खुशबू, कितना सुंदर है वो, क्या वो खाएगा दोबारा, नहीं खाएगा ना। कुछ नौकरी चक्री नहीं मिला महाराज, चलो 15,000 रुपया मिल रहा है कम से कम, एक चौकीदारी का कम मिल गया। अगर गवर्नमेंट का कोई नौकरी मिल गया हैं तो क्या ये चौकीदार का कम रखेगा क्या, वो उसके 40,000 से भी ऊपर महीना है और बहुत सारे फैसिलिटी है, और उसका बाद और तरक्की मिला हैं, गवर्नमेंट का फ्लैट मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे ऐसा इतिहास है, भिखारी से करोड़ों गिनती नहीं कर सकता। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है, पॉलिटिशियन भी है, बहुत सारे आदमी हैं जो पहले जिंदगी में एकदम भिखारी, कुछ नहीं है। हमारा भी एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूँ, मैं भी स्पोर्ट्समैन था, सोलकर बोल के एक क्रिकेट प्लेयर था, पूरा भिखारी, एक गार्डनर का लड़का है, तो हो सकता, तो ये क्या उसका तरक्की होने का बाद क्या वो क्या करेगा, वह फिर वो उसको उसका पिताजी को फिर गार्डनिंग का काम में लगाएगा, कहा जाओ घास को छांटो 50 रुपया मिलेगा, 100 रुपये मिले, घंटा भर धूप में करो। तो तरक्की ऐसा है, मेटेरियल उदाहरण देके और प्राकृतिक जगत का विषय में समझना संभव नहीं है, फिर भी एक इंडिकेशन है। भगवान ने कह दिया कि देखो अर्जुन, रसवर्जम रसोपास्यो परम दृष्टा निवर्तन, तुम बेहतर रस में लगन लगे तो आगे चलकर वो तो जो पद्म मधु
का आस्वादन किया, वो क्या टट्टी में बैठेगा क्या? टट्टी का ऊपर बैठे, टट्टी का ऊपर जो बैठने वाला जो मक्खी है और मधुमक्खी के एक ही जैसा है, एक जैसा है क्या? इसका टेस्ट अलग है, उसका टेस्ट अलग है, आपका भी टेस्ट चेंज होते रहेगा, चेंज होते रहेगा ना, हरि कथा सुनते रहो। बस यही स्टैंडर्ड प्रभुपाद जी ने बताया, काल भी ये चर्चा करेगा प्रभुपाद जी में, बस कुछ नहीं है चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुमको, सत्संग करो, ये मेरा विनती है, मेरा भी विनती है, आप सभी के चरणों में मेरा विनती एक ही है, आप बस सत्संगों का बहाने में असत्संग में मत लगो, सत्संग करो, सत्संग में हरि कथा सुनो 100%। मैं प्रतिज्ञा करके कह सकता हूं, मेरा कोई मकसद नहीं है आप लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, मकसद नहीं, एक ही मकसद है, ठाकुर जी रिझ जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, प्रभुपाद का आदेश पालन करने के लिए मैं मजबूर हूं, नहीं तो कौन ऐसा माथा पीछी में जाता है, चारे दुनिया मेरा खिलाफ जाए, लड़ाई करे, हैं, निंदा करे तो अच्छा है, क्रिटिसिज्म में मेरा अच्छा है, मैं सुने क्या कमी है इसका अंदर में, मैं देख ले, बड़ा माथा पीछी है, सच्चा बोलने जाओ, सच्चा कहो तो मारे लाठा, झूठा जगत बुलाए, और गोरस गली गली फिरे, सूरा बैठल भी खाए, हैं, देसी दारू लेके बैठ जाओ एक काना गली के अंदर में, कोई नहीं जानता, लेकिन माता लोग जो है ना वो जानता है, हम सभी का कोई ठिकाना नहीं है, वो लोग जानता है, उसी जगह में तारी बिक्री होता है, उसी जगह में देसी दारू बिक्री होता है, बस उसी में भीड़ लग जाए, ये स्वाभाविक है, माया देवी का एक खेल है, क्या करे, ये माया देवी का खेल है और कुछ नहीं। तो आप यहां विचार आता है, जीवों का जो शरीर है, खैर छोड़ो ये शरीर का भी छोड़ दो, इसका अंदर में सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अंदर में जो आत्मा है, हमने जीवात्मा जीव तत्व का बारे में चर्चा किया, भक्ति विनोद ठाकुर का कहना और शास्त्रों का सारे कहना हमने खोल के धर दिया था। ये सूक्ष्म जीवात्मा जो इसका भी पक्का स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, बस हमारा जानकारी में है नहीं। अब जो ये जीवात्मा का ये जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने जो नोबेल प्राइज विनर है, ये जर उदाहरण मेटेरियल उदाहरण नहीं है, फिर भी कामयाब है 50%, फिर भी बहुत काम में लगता है। रविंद्रनाथ ठाकुर को जब अंतिम समय में जब बलपुर से कलकत्ता ले आने का लिए एक स्पेशल ट्रेन गई, उसका शीशे का है चारों, कभी देख रहा है इतना सिनारी है चारों ओर, पेड़ पौधा टीले हैं, कितना सुंदर सुंदर। अब इन्होंने लिख दिया कि हमारा मरने का इच्छा नहीं हो रहा, ये लिख दिया, मरीते चाहिए ना आमी यही सुंदर भुवने, हमने बना बना के नहीं बोला, ये लिखा है, हम पढ़ा था बचपन में, मरीते चाहिए ना आमी यही सुंदर भुवने, बांग्ला समझ में आता है ना, हम मरना नहीं चाहता है इस सुंदर भुवन में, कितना रंग रस मिलता है हमको, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया है। अब इसको पूछो कि क्यों मरने नहीं चाहता, भाई ये नहीं जानता हूं क्यों मरने नहीं चाहता, जबकि आप जानते हो मरना, डेथ इज इनेविटेबल। कभी आपने नोबेल प्राइज ओनर है, नोबेल प्राइज जीता है, अब इतना ज्ञानी है, आपको यह पता नहीं कि मरना ही है, इसका कोई सलूशन है नहीं, मरने का साथ डेथ का साथ कोई सलूशन नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं चलता, तो आप जानते हुए भी ऐसा क्यों बता रहे, बोले ना जाने क्यों, मरीते चाहिना आमी, मरीते चाहिना आमी यही सुंदर भुवन है, इस सुंदर भुवन में मैं मरना नहीं चाहता, क्यों
क्यों मरेगा? क्योंकि जीवात्मा तो जीवात्मा जो है अमर है ना, कभी को पता नहीं कि जीवात्मा अमर है। इसका जो भाव है तुम्हारा शरीर में ट्रांसलेटेड हुआ है जड़ मन का अंदर। आत्मा का आत्मा मरना, जे आत्मा मरेगा कैसे? आत्मा तो अमर है। तो अमर जो है कोई जीव, इसीलिए एक चेंटी भी मरना नहीं चाहता। मरने जाओ तो भगेगा। एक मक्खी खून चूस रहा है, उसको मरने जाओ तो भग जाएगा, वहां ज्यादा खून चूसे। तो ऐसा ही है, किसी का मरने का इच्छा नहीं है। क्यों? जीवात्मा अमर है, इसे मरने का इच्छा नहीं। जीव करने के अंदर में मरने का कोशिश नहीं है, इसीलिए सीक्रेटली इसका अंदर में और भी एक गुण छुपा हुआ है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यो दास, ये महाप्रभु ने बताया। जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्यो दास, मतलब क्या है? दास का कर्तव्य है मालिक का सेवा करना, माया का सेवा करना नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर माया का सेवा कर रहा है, इसलिए मरना नहीं चाहता। बोले हमें और जिए और ये सब देखे। और क्या हुआ? विद्यासागर बन गया। और मेटेरियल विद्या का सागर है, वो तो विद्यासागर है, उपाधि मिला, लेकिन मेटेरियल विद्या का सागर है। अपराकृत विषय का कोई विद्या इसका अंदर में है नहीं, अपराकृत जगत का कोई विद्या है ही नहीं। तो अपराकृत जगत में हम उसको भिखारी कहेंगे, विद्या का भिखारी है, कुछ नहीं है, खाली हाथ। अब खाली हाथ जाओगे मरने का बाद। तो ये जो है जीवों का मृत्यु नहीं है, इसलिए मरना नहीं चाहता। जीव सेवा करना चाहता है, किसका? माया का। लेकिन सेवा तो करना चाहता है, हाँ सेवा करना इसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। चाहे माया का सेवा करे, भगवान का सेवा करना चाहता है, क्योंकि सेवा करना इसका धर्म है। बिना सेवा रह नहीं सकेगा, करेगा, नहीं तो माया का करो, नहीं तो भगवान का करो, धर्म का करो, दोनों का बीच में कोई सोल्यूशन नहीं। या तो माया का सेवा करो या तो भगवान का सेवा करो। अब ये जो है निर्विशेष ब्रह्म में मन को लगाना टिकाना संभव नहीं है, बहुत कष्ट है। इसलिए भगवान ने बताया क्लेशो अधिकतरो स्तेषाम अव्यक्ताशक्त चेतसाम। कहाँ मन लगाओगे? मन का धर्म है विषय में डोलना, कहाँ लगाओगे मन को? अगर कोई तर्क उठाए महाराज भक्ति का रास्ता में भी तो कष्ट है, कष्ट नहीं है? अरे महाराज कीर्तन करो धीरे धीरे, सब जागो 3 बजे, उठो भजन करो, नाम करो, ये सेवा करो, वहाँ करो, ये तो ये भी कष्ट है। हाँ ये तो कष्ट है, ये भी कष्ट है। इसीलिए भगवान क्या बोला? आपने ध्यान नहीं दिया इसीलिए तर्क उठाए। भगवान ने बोला, भगवान ये नहीं बोला कि हमारा सविशेष स्वरूप का भजन करने में कष्ट नहीं है। बद्ध जीवों के लिए हर कष्टदायक है, लेकिन उतना नहीं है। या पॉजिटिव कॉर्मेटिव सुपरलेटिव डिग्री यूज किया, क्लेशो अधिको तौरो, तौरो मतलब क्लेशकर है, अधिको तौरो अधिको है, अधिको तौरो मतलब यहाँ कंपैरेटिव किया, तुलनामूलक किस हिसाब जाए पॉजिटिव कंपैरेटिव किया, क्लेशो अधिको तौरो। ये नहीं बोला कि भक्ति योग में कष्ट नहीं है, भक्ति योग में है, लेकिन अगर बाय चांस अगर गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा आपका अंदर में अगर संबंध ज्ञान का पक्का अगर आपका मन में भगवान का साथ गुरु वैष्णव का साथ संबंध ज्ञान व्यापक वस्तु है, व्यापक, इट्स ए वास्ट चैप्टर। भगवान का साथ हमारा संबंध क्या है?
हमारा साथ माया का क्या संबंध है, भगवान के साथ माया का क्या संबंध है, गुरु वैष्णव के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, ये जड़ जगत कहाँ से है, क्या है, तमाम जो ये जो रिलेशन लिंक है इसको समझना, पॉजिटिव वे सेवा में लगाना। ये जो संबंध ज्ञान का पक्का प्राप्ति ये होने का बाद कभी भी भगवान का सेवा में कष्ट नहीं महसूस होने वाला है, सही कि नहीं। जब कोई जीवात्मा अपना संबंध घर को तैयार कर ले, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, ये मेरा स्वामी है, इसके इसका साथ मेरा प्यार है, मेरा बच्चा भूखा मारे क्या, हम करेगा नहीं रोसे, और करेगा, अब कष्ट नहीं होता है। अपना मैया को देखे कितना कष्ट उठाई, अरे बाप रे बाप कितना कष्ट उठा। आजकल के जमाने में तो हम तो हैरान हो गया, अभी याद होता है तो समझ में आता है क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। चलो अंतिम में भजन किया तो ये एक अच्छा है, भजन किया बामन गुस्सी महाराज का आश्रय लिए, नहीं तो इस माँ को कौन पूछता कोई पूछता क्या, कोई ताल्लुकात है नहीं, माया का माँ है, माया का पिताजी है, फिर भी किया कुछ कोशिश किया। मेरा कहने का मतलब है ये जो पिता माता भाई बंधु स्वामी स्त्री ये जो संबंध है जागतिक जगत में मेटेरियल जगत में, अगर इस सहारे पर विचार करके देखे तो कितना कष्ट उठाता है पिताजी, कितना कष्ट उठाता है माताजी, तो इतना कष्ट उठाता है क्यों, इसका अंदर में अपनापन है। जिस विषय में मेरा अपनापन है उस विषय में मेरा कष्ट का महसूस होना संभव नहीं है। इसी परिश्रम को दूसरे का लड़का के लिए करने बोलो तो मेरा बच्चा नहीं है वो तो इंटरनेशनल मादर नहीं है ना, है सार्वजनिक मातृत्व मैटरनिटी नहीं है इसका अंदर में, ये बोले मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा कोई खिलाए क्या, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या, ये भी तो तुम्हारी है अगर ये भाव में उठो तरक्की करो तो देखो कि सारे बच्चा मेरा ही है, हैं? ये भावना ठीक है। तो जिस वस्तु में हमारा अपनापन है, जिस वस्तु में जिस व्यक्ति में मेरा अपना में मेरा माता मेरा पिता मेरा दोस्त है अपनापन है, उसी में जितना भी कष्ट उठाओ कष्ट नहीं महसूस हो। लेकिन वही बद्ध जीव को बोलो भगवान के लिए अगर नहीं करेंगे क्यों करेंगे, बेकार नहीं करेंगे, ये उल्लू जानता ही नहीं, ये जानता ही नहीं भगवान के साथ तेरा जो रिश्ता है ये पक्का है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग इन्फिनिटी प्रियोर इटर्नली प्रेजेंट। जबकि तुम भगवान के साथ संबंध जोड़ना नहीं चाहते हो किंतु तुम जानते ही नहीं हो तुम तोड़ नहीं सकते, तुम्हारा रिलेशन पक्का है भगवान के साथ। ये तुम्हारा जो माया देवी है ये माया देवी तुमको बिछड़ के रख दिया, नहीं तो भगवान का हाथ छुड़ाना संभव नहीं, क्योंकि हमारा साथ भगवान का नित्य संबंध है, कहाँ जाए हम, मरने का समय अंधेरा छाएगा, इतना जायदाद है करोड़ रुपया का सारे हमारा हाथ का बाहर चले जाए, कोई भाई बंधु माता पिता कोई आएगा नहीं मेरे को बचाने के लिए, कौन बचाने आएगा, गुरु वैष्णव भगवान इतना बोका है भगवान का साथ नित्य संबंध बना के रख जानता ही नहीं, ये भगवान का साथ नाता तोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। जबकि ये कोशिश में लगा हुआ है भगवान का नाता तोड़ दो, गुरु वैष्णव का नाता तोड़ दो, बस हमारा ठीक है, ये मेरा घर परिवार है ये ठीक है, लेकिन वो जानता नहीं है ये जो संबंध बना के रखे हो ये तो अभी नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों टूट जाएगा। दुख के सागर में तैरते रहोगे, जानकारी है नहीं, इतना बुद्धू है। तो ये सिद्धांत तो आया, अगर हमारा साथ
हमारा अंदर में अपनापन है, जागृत हुआ तो भगवान का सेवा में कष्ट होते हुए भी कष्ट नहीं है। क्या ठीक बताया कि नहीं? अगर भगवान में मेरा अपनापन आया, ये तुम्ही तो आमार आमी तो तुम्हार की काज अपरोधने, भगवान आप मेरा हो मैं तुम्हारा हूं और मैं भी सहारा हूं, मैं तुम मेरा हो मैं तुम्हारा हूं। प्रभुपाद जी ने वैष्णव कौन है इसमें लिखा, तुम्ही तो आमार आमी तो तुम्हार की काज अपरोधने। वैष्णव लोगों ने आदेश किया, इसका ऊपर का भाव क्या है लिखने के लिए आगे नहीं चल रहा है, बहुत समय दूसरा सेवा में चला जाता है, कोशिश में लगा वो छोटा मोटा इंसान हूं, चेष्टा कर रहा हूं सेवा करने का, तो सेवा तो नहीं होता फिर भी कोशिश करे। तो प्रभुपाद जी ने लिख दिया, तुम्ही तो आमार अमी तो तुम्हार की काज अपरोधने, बस इसी में सारे राज है, रहस्य है। तो भगवान हमारा है, हम भगवान का है और क्या चाहिए, बस यही। अगर यही अगर सचमुच अनुभव में आया, यही अगर सचमुच अनुभव में आया, यही अगर सचमुच अनुभव में आया तो क्या हम ये नहीं कह सकते भक्ति मोहन ठाकुर का अनुगत्य में, तुम्हार सेवाए दुख है यो तो शो तो परम सुख, ये नहीं कह सकता क्या? भक्ति मोहन ठाकुर का कीर्तन में है ना, भक्ति मोहन ठाकुर का कीर्तन में है कि नहीं? भक्ति मोहन ठाकुर का खुद का कीर्तन में है, देखना हर वक्त दिन में एक टाइम बनाना, इसमें कल्याण कल्पतरु शरणागति ये सब कीर्तन देखना, 100% तरक्की होते रहेगा, कोई झूठा नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। कौन करे कौन करे, यही तो बात है ना, कौन करे, समय कहां, सब सारे समय मेरा माया देवी लेके जा रहा है और कहां समय मिलेगी। भक्ति मोहन ठाकुर जी ने कीर्तन किया ना, तुम्हार सेवाए दुख है यो तो सेवो तो परम सुख, ठाकुर जी तुम्हारा सेवा में, गुरु जी तुम्हारा आपका सेवा में जितना कष्ट हो रहा है वो भी मेरे लिए सुख है, गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे, इसी वास्ते अपना जिंदगी जितना भी कष्ट हुआ, बिना खाए बिना पिए पब्लिकेशन के समय कुत्ता का माफी दौड़ते रहे और कलकत्ता एक्सप्रेस ये चैतन्य गुरु मठ के 2 घंटा विश्राम, चलो विश्राम नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जी का कमरे में गया, गुरु जी देखा इतना इतना प्रसन्न हो गया, इसका चरण देखे, किसने करवाया, हमने खुद किया कि किसी ने करवाया है, वन काइंड ऑफ अननोन सोर्स हमने करवाया, वन काइंड ऑफ अननोन प्रेरणा है, शक्ति है जो प्रचोदयात शब्द में आता है ना, गुरु जी ने करवाया, शक्ति उसका है, मैंने सोचा मैंने किया, लेकिन मेरा कहने का मतलब है जो प्रसन्न तो हुआ गुरु जी के लिए, एकदम पसीना पसीना हो जाते थे, इतना गंदा कपड़ा है मेरा पहले, वो समय नहीं इस धोने का फिर भी आनंद है, गुरु जी है, तुम्हार सेवाए दुखो है यो तो सेवो तो परम सुख, सेवा सुखो दुखो परम संपद, सेवा सुखो दुखो परम संपद, मैं दुख को दुख नहीं समझता हूं, ये संपत्ति है, ये संपत्ति है, विपत्ति नहीं है, ये समझ रहा हूं मैं, सेवा सुखो दुखो परम संपद नाशय अविद्या दुख, मेरा अंदर में जो अविद्या है, मेरा अंदर में जो अविद्या है माया है, मेरा अंदर में जो जितना अनर्थ है अविद्या है, इसका काटने के लिए तो और दूसरा रास्ता है ही नहीं, मेरा अंदर में जितना सारे अनर्थ है दुर्वासना निगरितस्य निराशस्य, इस हमारा ये अंदर में जो गंदगी है इसको हटाने का दूसरा कोई तरीका है नहीं, एक ही तरीका है, वो है शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत करो, सेवा करो, करके तो देखो, करके तो देखो, इतना सेवा किया है माया का, करके तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है, विश्वास नहीं करते हो सबसे बड़ा ये तो मुश्किल है, करके तो देखो, देखो क्या फल मिलता है, कितना कितना कृपा मिलता है,
मन का अंदर में जितना सारे दुख है कष्ट है सारे मर मिट जाए। अब नया रास्ता का एक संधान मिलेगा, अमृतमय रास्ता का। भक्तिपूर्ण ठाकुर जी ने भी ये कहा है, जीवों का स्वरूप चिन्मय वस्तु है जी, अव्यक्त अवस्था में इसको अव्यक्त स्वरूप का भगवान का भजन करने इसके लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है। फिर अब जोर जबरदस्ती करने का कोशिश करो तो इसमें क्लेशो अधिकतर हो। इसी श्लोक का उच्चारण किया ठाकुर जी ने अर्जुन का सामने, अर्जुन क्लेशो अधिकतर हो। हाँ ये नहीं कह रहा हूं कि भक्ति का रास्ते में कष्ट नहीं है, है लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम है। और जो पक्का साधु है उसके लिए तो कोई क्लेश ही नहीं है। पक्का साधु जो है उसके लिए तो क्लेश का कोई परवाह ही नहीं है। बाकी की साधारण जो है भक्तों में भक्ति में लगा है उसको भी अगर संबंध ग्रहण थोड़ा होते रहे, चलते रहे, अनुभव में आते रहे, हरि कथा कीर्तन गीता को पूरा गीता ध्यान को ध्यान से सुने, गीता ध्यान को ध्यान से सुने और अपना जिंदगी में उतारने का कोशिश करें, ये मेरा विनती है आप लोगों का चरण में। ये गुरु वैष्णव का संपत्ति है, मेरा कोई बाप का संपत्ति नहीं है। ये करते रहो और देखो रिजल्ट मिलेगी कि नहीं, कहाँ तक माया का ओर दौड़ते रहोगे। भक्तिपूर्ण ठाकुर कह रहे हैं कि ये बद्ध जीव जो है वो चिन्मय वस्तु है, अगर अव्यक्त स्वरूप में मिलने का कोशिश करे इसका तो इट इज वन काइंड ऑफ सुइसाइडल स्क्वाट, आत्महत्या का बराबर। आत्महत्या ये भी इस शब्दों भी गलती है, लेकिन क्या करे, ये सदियों पुराना अभ्यास है, कहते हैं आत्महत्या, आत्मा का हत्या नहीं किया जाता, आत्महत्या शब्द ये पूरा गलत है, सरासर गलत है ये शब्दों व्यवहार होते आ रहा है। मैं क्या करूं मैं भी गलती कर रहा हूं, क्या करूं, आत्महत्या शब्द नहीं चलेगा, आत्मा को मारा नहीं जाए, शरीर को मारा जाए, क्या करें, ये शब्द चालू है। तो ये जो है भक्तिपूर्ण ठाकुर कह रहे हैं जीव चिन्मय स्वरूप है, अव्यक्त अवस्था में जाए तो इट इज वन काइंड ऑफ सुइसाइडल स्क्वाट, जीव का जो उपाधि, भक्तिपूर्ण ठाकुर कह रहे हैं, ये हमारा कहना नहीं, भक्तिपूर्ण ठाकुर कह रहे हैं जीवों का, जीवात्मा का उपादेय टेस्टफुल पोजीशन, जीवात्मा का जो टेस्टफुल कंडीशन है वो क्या है, वो सेवा करके अमृत मिलना, जो भगवत जी में भगवान गोपियों को कह चुके मई भक्तिर ही भूतानाम अमृतोत्ताय, यही अनुभव में अगर आए, भक्तिपूर्ण ठाकुर जी ने बोला जीवों का उपादेय अवस्था एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, उसमें अगर जाए तो अच्छा है। वो अगर अपना स्वरूप का विनाश करने का कोशिश करे, छलांग लगाए, सबमर्ज होने का कोशिश करे, निर्विशेष ब्रह्म में, ये लोग का विचार है अत्यांतिक क्लेश का निवृत्ति है, कि जीवन जिंदगी क्लेशदायक है, लेकिन क्लेश का निवृत्ति करने का तरीका ये नहीं है, आपने गलती रास्ता चूज कर लिया। क्लेश अधिकतर होते ही शाम भगवान, क्लेश तो तब जाएगा जब अपना स्वरूप को समझे और भगवान का सेवा, अपना स्वरूप को समझे और भगवान का सेवा करने का कोशिश करे, अमृत मिले, अमृत माने भक्ति, तब तो आनंद ही आनंद है। ये आनंद का साथ ब्रह्मानंद का तुलना कोई करने जाए तो उससे बढ़कर बुड़बक कोई नहीं है, सबसे बड़ा छागल है ये है। बहुत सारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट जीवों को सही बात दिखाया संदर्भ में, असंभव है ये तुलना, हो नहीं सकता। ये भक्ति प्राप्त के बाद
अमृतमय अवस्था जो है इसका साथ ब्रह्मानंद का कोई तुलना करने जाए तो ये बिल्कुल असंभव बात है। निर्विशेष भाव हानिदायक है, नुकसानदायक है। भक्ति से हाथ छुड़ाकर केवल ज्ञान का ओर जाने का कोशिश करे, इससे बढ़कर अमंगल नहीं हो सकता। भक्ति में ठाकुर जी ने बताया इससे बढ़कर अमंगल नहीं हो सकता। सबसे बड़ा अमंगल इसमें है, अगर उसको दिखाओ राम जी आया था महाराज, कृष्ण जी आया, चैतन्य, अरे सब मायामय है, अरे भगवान कैसे आ सकता है, तो ये माया का स्वरूप है ये बोलेगा। अब जब हम महाप्रभु का कहना है प्राकृत कोरिया माने विष्णु कले वोर विष्णु निंदा आर नहीं इहार ऊपर, इससे बढ़कर विष्णु निंदा होता नहीं। सबसे बड़ा पनिशमेंट इसको ही मिलेगा, सबसे बड़ा पनिशमेंट। इतना हराम खोर है, भगवान का सब ले रहा है और भगवान को पूरा अस्वीकार कर रहा है, ऐसा हालत है। ऐसा करके भक्तिवीन ठाकुर जी ने बिताया व्यवहार दिखाया, भक्ति से छुटकारा लेने का कोशिश करो केवल ज्ञान का ओर, लेकिन ये असंभव है, तुम मरोगे। जो भी ज्ञान योगी, जो भी आपका कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, जो भी है वो सारे भक्ति का सहारे पे फल देता है। सारे जो भी फल मिलते रहता है, अगर कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजगुरु जो भी है, कुछ भी करता है, अगर जरा सा भी भक्ति का सहारा ना लिए है, नहीं लेता है, तो उसका लिए फल मिलेगा नहीं। जो फल मिलेगा भक्ति का सहारा, यू विल हैव टू टेक सेल्टर ऑफ भक्ति, मे बी 10% 20% विदाउट भक्ति का सेंटर सहारे। एक शास्त्र का विचार है चैतन्य चरितामृत, बिना सहारा लेते हुए भक्ति का किसी रस्ते में कामयाबी नहीं मिलेगी, असंभव है। क्लेशो अधिकतरोस्तेषां अव्यक्ताशक्त चेतसां अव्यक्ता ही गतिर दुःखं देहो बद्भिर् रवापते। तो ये सिद्धांत आया, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि भक्ति का रास्ते में चलो इसमें क्लेश नहीं है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, और क्लेश तो बिल्कुल नहीं है। जो प्रतिष्ठित है, जो शुद्ध महात्मा है, शुद्ध गुरु, उसका लिए कोई भी क्लेश है क्लेश का बराबर नहीं है। प्रभात दिनों में 8 घंटा 10 घंटा हरिकथा कहते थे, कभी कभी 6 घंटा 5 घंटा 8 घंटा भी क्लेश में, डॉक्टर ने मना कर दिया, आप कहते रहो कम कहो तो होता नहीं, आदत में पड़ गया ना, ये नित्य जगत का महापुरुष है। तो ये भावना ये है कि भक्ति का रास्ते में क्लेश नहीं है, तो ये नहीं बोल रहा है, ठीक है। जिन्होंने शुरुआत किया उसके लिए 3 बजे जगना, अच्छा 3 बजे छोड़ दो, 5 बजे जगना ही मुश्किल है, वो तो 7-8 बजे जगता है, भक्ति करेगा कैसे अगर जागेगा सूर्य उदय के बाद, वो उसका लिए तो सारे दिन गया, मिट्टी में मिल गया, उसका तो हो गया छुट्टी, उसका दिखा लेना नहीं लेना बराबर है, क्या करे वो जब अंग्रेज लोग जानता है अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड मेक ए मैन वाइज, ये तो अर्ली जगता ही नहीं, क्या करे। इसीलिए ये सब जो अभ्यास है इसमें जरूर क्लेश है, जरूर है। अपना अभाव का संकोच करना, अभाव का संकोच में तो एकादशी के दिन में कौन माना किया, चारों ओर खाना भरा पूरा है, लेकिन एकादशी के दिन मेरे को क्लेश उठाना है,
लेकिन ये क्लेश भी क्लेश नहीं है, क्योंकि हम ठाकुर जी को रिझाने के लिए, संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। ये क्लेश थोड़ी क्लेश है, जन्माष्टमी एकादशी उपवास करते रहे तो उसमें क्या क्लेश होता है क्या? बड़े बड़े महात्मा लोग से उपवास करते रहे, मेरा गुरु जी तो महीना में तो 15 दिन तो उपवास ही, क्योंकि किसी का यज्ञ हो रहा है, किसी का किसी का मंदिर प्रतिष्ठा, किसी का विग्रह प्रतिष्ठा, किसी का जनेऊ हो रहा है, वो चल ही रहा है। खान पीन का, खान पीन का कोई व्यवस्था ही है नहीं, खान पीन का कोई व्यवस्था है ही नहीं, कुछ नहीं। मैंने खुद देखा ये कालना में अनंत वासुदेव का उदय, कृष्णधन प्रभु बोल के बामन, एक एक कृष्णधन प्रभु बोल के एक पुराना भक्त है, ये भक्ति ही तो बनुदेव गोस्वामी महाराज, लेकिन ज़्यादातर मेरा गुरु जी का सहायती रहते थे अंतिम समय। मेरा गुरु जी का पिछले स्वर्ग छोड़ने का 20-25 साल से, स्वर्ग छोड़ने का पहले जो 20-25 साल, इतने में हर वक्त मैंने खुद देखा, यज्ञ चल रहा है, सारे क्रियाक्रम चल रहा है, कीर्तन चल, गुरु जी को बोल लो थोड़ा पी लो खा लो थोड़ा डाब कर, नहीं नहीं अब हुआ नहीं, सब कोई देखा है। ये आपका चागदा जगन्नाथ मंदिर में, ये जगन्नाथ अपना मंदिर से उसको लेने के लिए जो समय लगता है उसी में चलाया था, ये 12 बज जाता है, सुबह में नहा धोवा करके बड़ा व्यवस्था किया सब किया, जगन्नाथ को उठा के उधर ले जाने के लिए लग जाता है बहुत समय, बहुत समय लग जाता है। इसके बाद गुरुजी बैठे जगन्नाथ का पूरा अभिषेक आदि करने के लिए। अब मत पूछो, हर आदमी जानता है ये कोई बनावटी बात, वो बाप रे 3-4 बजे महाराज हो गया बस करो, अभी नहीं हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं, अब कब खाएगा कब पिएगा, कुछ नहीं करेगा, इसका लिए क्लेशदायक नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ का और गुरु जी का देखना, मैंने बुद्धू हूं मैं समझता नहीं हूं, फिर भी गुरु कृपा से थोड़ा अनुभव में आया। जब अभिषेक करने का बाद साष्टांग दंडवत करते, इतना उम्र में साष्टांग दंडवत उठा नहीं जाए, और गुरुजी जगन्नाथ का ओर देख रहा है और साष्टांग दंडवत उठने का कोशिश कर रहा है, ये गोपीनाथ मंदिर में भी देखा है। चागदा में कालना में बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आनंद है, ठाकुर जी का ओर देख रहा है। सारे अभिषेक पविषेक करने के बाद उसका दृष्टि ऐसा है मानो कि कहना चाहता है कि मैं नालायक हूं फिर भी कोशिश किया, हे ठाकुर जी हे जगन्नाथ आपका गुण है, आप अपना गुणों के द्वारा आप प्रसन्न हो जाओ, मेरा अंदर में कुछ नहीं है। रोते रोते भक्तों धीरे धीरे सब 2-4 आदमी पकड़ के गुरु जी को उठाते थे, लेकिन वो दंडवत करने का जो तरीका है वो देखने का लायक है। कोई अगर देखे, कोई पखंडी भी हो उसका हृदय भी गल जाएगा, ये पक्का बात है। ये अगर पखंडी ही हो, बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया है तो नहीं होगा, पखंडी का हृदय जो है पत्थर बन जाता है। मैं ऑर्डिनरी जो अपराध करके जो उल्टा किया उसका लिए बोल रहा हूँ, बड़ा पखंडी है उसका लिए तो बहुत मुश्किल है, हृदय हृदय पशान हृदय पत्थर बन जाता, लोहे बन जाता, वज्र जैसा हो जाता, अपराध ऐसा है। जो भी है तो क्लेश जो है क्लेशदायक नहीं है, अगर वो भगवान का साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ा है इसका लिए क्लेश नहीं। भगवान ने जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाया, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिखाया उन लोगों के लिए जो भक्ति योग का अभ्यास में है, जिसका लिए कृष्ण को बोला था ना अभ्यास न तुकंती हो वैराग्य डिटैचमेंट कैन ऑटोमेटिकली कम, अब आप कष्ट नहीं लगेगा, इसका लिए बताया। जो भी है ये 5 नंबर श्लोक का कोशिश किया 2 दिन से,
इसका थोड़ा खुलासा हो जाए। अब आगे चल के 6 नंबर को हम पकड़ेंगे, आज व्याख्या करने का समय नहीं मिलेगी क्योंकि जो श्लोक देखे शुरुआत के उसका भी थोड़ा बताना है। 6 नंबर श्लोक में ये बारवा अध्याय में ये जो 6 नंबर श्लोक है इसमें भगवान बताया जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासो मत्परा अनन्य नैव योगेन माम धायन माम धायन्त उपासते। आई बात समझ में? ये श्लोक में इट्सेल्फ इसका खुलासा है, फिर भी काल कोशिश करेंगे थोड़ा विचार करने का गुरु कृपा के द्वारा। जेतु सर्वाणि कर्माणि, जो जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासो, जो अपना जीवन जिंदगी में जो कुछ भी किया जो कुछ करने जा रहे सारे को सर्वाणि कर्माणि, बट उसका पहले एक तू लगा दिया जेतु। ये तू का माने क्या है कल चर्चा करेंगे। जेतु अचानक तू लगा दिया क्यों? जेतु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यासो मत पढ़ा अनन्य नैव योगेन मांग धायन्तो उपासते। ये सब करेक्टर्स, इसका करेक्टर्स बता दिया सिंटम। उसके लिए तुम क्या करोगे ठाकुर जी? बोले तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थो मर्ज्यावेशित चेतसाम। इसका चर्चा काल हो पाएगा, क्षमा करना इसका चर्चा काल हो पाएगा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थो मर्ज्यावेशित चेतसाम। ये भगवान का वादा है, ये भगवान का वादा है। भगवान ने बोला इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उसका रक्षा करके ही रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके लिए पक्का प्रवचन कर रहे ठाकुर जी, मैं ये वो मेरे में ही, मैं ये वो मनो आधत्सो मई बुद्धिम निवेशयो निवेश शशि मई एव अतो ऊर्ध्वम न संशय। इसमें तुम्हारा कोई संदेह नहीं है। कोई अगर संदेह करे उसके लिए भगवान एक किस्म का प्रतिज्ञा कर दिया, ततो ऊर्ध्व न संशय, ये हो ही नहीं सकता, उल्टा नहीं होगा। जो श्लोक देके शुरुआत किया था उसका चर्चा भी कल करेंगे, थोड़ा उसको दोहराएंगे, श्लोक को दोहराएंगे, कल चर्चा होगा पूरा। यत कर्म भीर जत तपसा ज्ञान वैराग्यतश्च जप सर्वम मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लवते अंजसा। वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु पतितानं पावने भो वैष्णवभ्यो नमो।